लेकिन स्वामी जी हालात इतने ख़राब हैं, आपने खुद ही आंकड़ा भी बता दिया कि जो रिपोर्टेड हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे केस रिपोर्ट ही नहीं होते, तो डिप्रेशन इतना खतरनाक हो जाता है कि लोग सुसाइड जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे नेगेटिव विचार मन तक ना पहुंचें, मन में ना आए, तो इसके लिए और क्या क्या आप सलाह देते हैं, जो कभी आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे, इस तरह के लोग पहुंच जाते होंगे आपके पास भी, तो आप उनसे क्या क्या दिनचर्या करवाते हैं? तो बचपन से ही अपने बच्चों को योग के अभ्यास में लगाएं, जैसे बेटी लेखिका यहाँ पर कर रही है। सुबह उठ करके सारे घर में एक नियम बना लो कि हमारे घर का नियम है, जैसे राजस्थान में घरे घने घरों में नियम है कि घर में घाघरो पहनना जरूरी है, घर में सलवार कमीज नहीं चलेगा, हाँ, और जीन्स तो चाल ही नहीं सकती कतई। हाँ, तो ये नियम तो ठीक है भाई, घाघरो पहनो कि साड़ी पहनो थारी मर्जी, लेकिन योग को नियम बना लो कि हाँ योग करना ही है। तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब घर में योग करें, कम से कम सप्ताह में एक बार बैठ करके अपने अपनी आस्थाओं के अनुसार भजन करें, कीर्तन करें, हैं, और अच्छा खाएं पिएं। जो शाक सब्जियां खाते हैं ना, मिलेट्स का सेवन करते हैं, जो प्रतिदिन अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा आहार और अच्छा विचार, ये श्रेष्ठ सात्विक जीवन का आधार है। जो लेखिका की तरह कठिन न कर पाए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करके ही गुजारा कर लेना, कभी हड्डी पसली मत तोड़वा लेना आज देख करके। हाँ कि स्वामी जी तो इंडिया टीवी पर बता रहे थे ऐसे जोर जोर को योग करनू है, तो क्या करना, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का सेवन करना, सुबह उठ करके गोधन अर्क का सेवन करना, उससे लीवर की, किडनी की, हार्ट की, मोटापा की, कोई भी ये तमाम तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, पिसर, फिस्टूला, तमाम तरह की बीमारी नहीं होंगी। और मिलेट्स का सेवन करें, शाक सब्जियों का सेवन करें, और नेचुरल जो स्वीट है ना वो बहुत अच्छा होता है डिप्रेशन से बचने के लिए। और एक खास बात, तो ये तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में बता रहा था, ये पूर्ण वृश्चिकासन कर रही है, अब महारत है, इतना तो कोनी हो, इतना तो महारत भी हो जाओ है। तो ये तो कठिन कठिन कर रही है, हैं? चलो पूर्ण धनुरासन करो बेटा, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्ट्रासन। तो अच्छा आहार ले, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्त शुद्धि, सत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर् लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षाः।